गुड इवनिंग शिवम, अंजलि, प्रज्ञा, वर्षा, योगीश, रतन। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के बारे में, और वहाँ पर हम लोगों ने ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन क्या है और उसमें कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, रेगुलेटरी स्विचेस क्या हैं या रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। साथ में ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का रेगुलेटरी जीन क्या है, ट्रिप्टोफेन आर जीन, उसके बारे में स्टडी किया। आर्जिन का प्रोडक्ट ट्रिप्टोफेन रिप्रेशर है, जो कि एक डाइमर है, और वो डाइमर कैसे ट्रिप्टोफेन ऑपरेटर पर बाइंड करता है ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस या एब्सेंस में, इन पॉइंट को डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो रेगुलेशन में कहा कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का रेगुलेशन दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लास्ट में जो आपने स्टडी किया था उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं टीआरपी ओपेरॉन का जो रेगुलेशन है वो दो तरह का है, एक तो नॉर्मल रिप्रेशर के द्वारा रेगुलेशन, दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। एक है बाय रिप्रेशर, रिप्रेशर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कैसे रिप्रेशर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। सेकेंड वन इज एटीन्यूएशन, सेकेंड वन इज एटीन्यूएशन। तो रिप्रेसर मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं कैसे ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में, जब ट्रिप्टोफेन का लेवल हाई होता है तो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड रिप्रेसर के साथ बाइंड करते हैं और वो रिप्रेशर ट्रिप्टोफेन ऑपरेटर पर आकर के बाइंड कर जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को वो रोक लेगा ट्रिप्टोफेन प्रमोटर पर, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल जीन से उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो तो ट्रिप्टोफेन की सिंथेसिस सप्रेस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हमारा टॉपिक है एटीन्यूएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीन्यूएशन को, एटीन्यूएशन क्या है और ये एटीन्यूएशन कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, एटीन्यूएशन कैसे होगा और उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का क्या बेसिक रोल है, इन पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे अटिन्यूएशन क्या है इस क्वेश्चन से, देन इसके बाद अटिन्यूएशन में कौन सा रीजन डीएनए का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उस डीएनए रीजन की अपनी इंटरनल अरेंजमेंट क्या है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है मोहित जी, गुड इवनिंग। मोहित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। धीरज प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रतन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अटिन्यूएशन से, अटिन्यूएशन क्या है उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। रंजना गुड इवनिंग, रंजना। ठीक है चलिए बात करते हैं अटिन्यूएशन से। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है अटिन्यूएशन क्या है, और लास्ट क्लास में मैंने अटिन्यूएशन के बारे में डिस्कशन किया था सिंपली अटिन्यूएशन क्या है। और यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है अटिन्यूएशन और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, कई सारे और अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स कोड होते हैं किसी एक ओपेरॉन से, और उनका भी अटिन्यूएशन होता है। तो आप ऐसा समझ लें प्रोकैरियोट्स में अटिन्यूएशन केवल ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि कई और ओपेरॉन हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए अटिन्यूएशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है अटिन्यूएशन क्या है, अटिन्यूएशन हम लोग कहते किसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज बना रहा हूँ, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए है और ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ये जो ग्रीन मैं बना रहा हूँ ये आरएनए है, आप ध्यान देंगे। और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है आप ये समझ लीजिए, जो ये पोर्शन में एलो से मार्क कर रहा हूँ ये ओपेरॉन है। अटिन्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट तो हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट तो किया, इसका मतलब ये हुआ जो एमआरएनए है, जो आरएनए है
उस आरएनए का 5 प्राइम एंड अपियर हुआ क्योंकि सिंथेसिस शुरू हुई, तो 5 प्राइम एंड एमआरएनए का अपियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के साथ। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पर पहुंचे, आरएनए पॉलीमरेज ओपेरॉन जीन्स के एंड पर पहुंचे, टर्मिनल जीन को ट्रांसक्राइब करे, उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है, उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है। अर्थात तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो गया। हम ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को अटेन्यूएशन कहते हैं। तो अटेन्यूएशन एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ना कि ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस है इन विच ट्रांसक्रिप्शन इज नॉर्मली स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अटेन्यूएशन इज ए रेगुलेटरी प्रोसेस इन विच ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड नॉर्मली बट इज एब्रप्टली हाल्टेड बिफोर द ओपेरॉन जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड। इससे पहले ओपेरॉन में प्रेजेंट स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ये प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नॉर्मली हुआ, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो गया। हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं अटेन्यूएशन। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे कि अटेन्यूएशन क्या है, ठीक है। बायोटेक्निक गुड इवनिंग, महक सिंह गुड इवनिंग, शिवांगी गुड इवनिंग, वेदिका गुड इवनिंग, आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? मुझे यस और नो में बताएं, क्या आपने अटेन्यूएशन को समझा है, अटेन्यूएशन क्या है, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? ठीक है, एबी साइंस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एबीजी, ठीक है। आप लोग मुझे जल्दी से बताएं अटेन्यूएशन आप समझ पा रहे हैं, अटेन्यूएशन की प्रोसेस को आप, ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं। आप इस टॉपिक को, अटेन्यूएशन को समझने के साथ आप ये भी समझ गए हैं कि अटेन्यूएशन की प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन पढ़ना है, और ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे होगा, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में हमें जानना है, कंडीशंस को रखना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि अटेन्यूएशन में हमें प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की स्टडी करनी है। सेकेंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस पॉइंट पर भी ध्यान देंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान दें। जो अटेन्यूएशन की प्रोसेस है वो डिपेंड करती है क्लोज कपलिंग बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो बैक्टीरियल एमआरएनएज होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं जो बैक्टीरियल एमआरएनएज होते हैं उनमें कैपिंग, स्प्लाइशिंग या पॉलीएडेनाइलेशन जैसा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है जैसा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस वजह से, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया में कोई इंटरनल कंपार्टमेंट नहीं होता है, सारी रिएक्शंस उसकी सेम कंपार्टमेंट में कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में ही उसका डीएनए है और साइटोप्लाज्म में ही उसके राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के साथ आरएनए का 5 प्राइम एंड अपीयर होता है, इसी 5 प्राइम एंड पर आकर के राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल होने लगती हैं और ट्रांसलेशन की शुरुआत करती हैं। ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसलेशन के साथ कपल्ड है। एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और उसी एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी शुरू हो गई। इस वजह से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड होता है ट्रांसलेशन के साथ, और अटेन्यूएशन प्रोसेस में इस कपलिंग की इंपॉर्टेंस है। तो अटेन्यूएशन का प्रोसेस डिपेंड करता है क्लोज कपलिंग पर बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। टर्मिनेशन होना है ट्रांसक्रिप्शन का, लेकिन ये कपल्ड है ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। मोहित जी, ठीक है, मैं कानपुर में ही पढ़ाता हूँ,
ठीक है सौरभ, गुड इवनिंग। तिवारी जी आप कानपुर आए थे, आप मुझे बता देते तो मैं स्टेशन पर माला लेके आ जाता आपके लिए। मैं स्वागत करने के लिए आपका आता, आप यहाँ तक आए थे, आपने बताया नहीं मुझे। मैं नहीं आता तो मैं किसी और को भेजता, लेकिन आपका स्वागत कराता वहां पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चल रहा हूं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एटीन्यूएशन, ठीक है, ये एटीन्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द क्लोज कपलिंग बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एटीन्यूएशन आपने समझ लिया है, एटीन्यूएशन डिपेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की कपलिंग के साथ। आगे इसको आप और बेहतर समझेंगे, इसी क्लोज कपलिंग के बेस पर ही हम लोग एटीन्यूएशन प्रोसेस को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप पढ़ रहे थे रिप्रेशर मैकेनिज्म का, ठीक है, कैसे ट्रिप्टोफेन रिप्रेशर बाइंड करता है ट्रिप्टोफेन ऑपरेटर के साथ, वहां पर आपने देखा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे फ्री ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड। जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड से वो एज ए को रिप्रेशर फंक्शन कर रहे थे, और ये रिप्रेशर के साथ बाइंड होते हैं, इस बाइंडिंग के साथ ही रिप्रेशर बाइंड करता है ऑपरेटर से। तो पिछली क्लास में मैंने इस पॉइंट पर भी डिस्कस किया कि जो ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन है उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करता है रिप्रेशर, जबकि अटेन्युएशन की प्रोसेस ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अटेन्युएशन की प्रोसेस ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है ट्रिप्टोफेन टीआरएनए, ट्रिप्टोफेन टीआरएनए कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अर्थात तो चार्ज टीआरएनए पर डिपेंड करेगा, चार्ज टीआरएनए पर डिपेंड करता है। ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में अटेन्युएशन की स्टडी करेंगे। तो अटेन्युएशन का प्रोसेस फ्री ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड करता है ट्रिप्टोफेन टीआरएनए पर। ट्रिप्टोफेन टीआरएनए का कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है उसके बेसिस पर अटेन्युएशन का डिसीजन होगा कि अटेन्युएशन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन अटेन्युएशन रिस्पॉन्ड टू सेलुलर ट्रिप्टोफेन टीआरएनए कंसंट्रेशन रादर देन ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए ठीक है, अटेन्युएशन क्या है, ये क्लोज कपलिंग पर डिपेंड है और ये रिस्पॉन्ड करता है ट्रिप्टोफेन टीआरएनए की बेसिस पर, ना कि प्री ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड के रिस्पॉन्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या जिसकी इंपॉर्टेंस है अटेन्युएशन में। तो प्लेयर कौन है अटेन्युएशन का ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का कौन सा ऐसा पोर्शन है, ठीक है, जो अटेन्युएशन के लिए जिम्मेदार है। तो मैं यहां पर केवल ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर ऑपरेटर, और इस प्रमोट ऑपरेटर के बाद में एक रीजन है जिसे हम लोग ट्रिप्टोफेन लीडर कहते हैं, ट्रिप्टोफेन लीडर, और उस लीडर के बाद फिर जीन से, ई जीन है, डी है, सी बी एंड ए जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये ई से लेकर के ए तक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और स्ट्रक्चरल जीन्स और ऑपरेटर के बीच में एक डीएनए रीजन है जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रिप्टोफेन एल या ट्रिप्टोफेन लीडर। और जो ये ट्रिप्टोफेन ई जीन है इसके 5 प्राइम पर होता है, ये 5 प्राइम यूटीआर पर है। तो ट्रिप्टोफेन एल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं सबसे जो अटेन्युएशन की प्रोसेस है वो डिपेंड करती है इस ट्रिप्टोफेन लीडर रीजन पर। ये जो सीक्वेंस है ये रिस्पॉन्सिबल है अटेन्युएशन के लिए, ये अटेन्युएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हम ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन से जो लीडर रीजन है, ट्रिप्टोफेन लीडर रीजन है, या कह सकते हैं कि
स्ट्रक्चरल जीन ई का 5' यूटीआर रीजन यदि डिलीट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए डीएनए से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि इस पोर्शन को बाहर निकाल दिया डीएनए से, तो एटेन्यूएशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, कभी भी ओपेरॉन का एटेन्यूएशन नहीं होगा, और जो रेगुलेशन है वो एक्सक्लूसिवली केवल रिप्रेशर पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है भी साइंस, धन्यवाद। ठीक है, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, चले तो आप सभी लोग इस पॉइंट को यहां तक समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रिप्टोफैन लीडरजीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्वेश्चन आगे हम लोग जानेंगे अटेन्यूएशन के लिए, लेकिन आप यहां तक ये समझ गए हैं कि अटेन्यूएशन किस पोर्शन पर डिपेंड करेगा, तो ये आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को समझ गए होंगे जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। आगे इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने चलेंगे, सबसे पहले ट्रिप्टोफैन लीडर पोर्शन को डिस्कस करेंगे और देन फिर आगे कंडीशंस को रखेंगे। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लीडर जीन प्ले सेंट्रल रोल इन द अटेन्यूएशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन व्हेन सेलुलर ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन इज हाई। ठीक है, तो TRPL जीन या जिसे लीडर सीक्वेंस कहते हैं, लीडर रीजन कहते हैं, इज प्रेजेंट जस्ट अपस्ट्रीम टू TRPE जीन एंड डाउनस्ट्रीम टू ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर। आप देख सकते हैं ऑपरेटर के डाउनस्ट्रीम है और स्ट्रक्चरल जीन ई के अपस्ट्रीम है। तो ये जो पोर्शन है लीडर रीजन, ये या इसे लीडर जीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ओपन रीडिंग फ्रेम भी प्रेजेंट है प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए, इसका सेंट्रल रोल है अटेन्यूएशन प्रोसेस में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रिप्टोफैन एल लीडर रीजन को डिस्कस करते हैं। लीडर रीजन की अपनी लेंथ क्या है, उसके अपने कैरेक्टर क्या है, अटेन्यूएशन से रिलेशन क्या है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है रंजना, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ट्रिप्टोफैन जो लीडर रीजन है उसकी बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, जरा आप लोग ध्यान देंगे, मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। तो अब सबसे पहले आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडर रीजन को, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लीडर रीजन को। ये प्रमोटर ऑपरेटर रीजन है और इसके बाद जो डीएनए सीक्वेंस है वो है ट्रिप्टोफैन एल लीडर रीजन का, ये लीडर रीजन है। इसके बाद है टीआरपीई जीन, तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन है ट्रिप्टोफैन लीडर रीजन, ये है डीएनए। और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत आप लोग जानते हैं, जब भी आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा तो ट्रिप्टोफैन लीडर रीजन से शुरुआत करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत यहां से होगी। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, इस ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही सबसे पहले जो डीएनए रीजन ट्रांसक्राइब होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का, वो लीडर रीजन होगा। इसका मतलब लीडर रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होगा सबसे पहले और देन उसी आरएनए में ट्रिप्टोफैन ई जीन ट्रांसक्राइब होगा। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू होने के साथ ही आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस ट्रांसक्रिप्शन के साथ ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस हो रही है। ट्रिप्टोफैन एल जीन का ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये इसका 5' है और ये 3' है, इसी के आगे टीआरपीई जीन ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, आप इसको सभी लोग समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग इसको यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब टीआरपीएल जो ये रीजन आप देख रहे हैं वो डीएनए है और जो ये आप देख रहे हैं वो आरएनए है, ट्रांसक्राइब होगा तो आरएनए ही प्रोड्यूस होगा, तो ये आरएनए है ट्रिप्टोफैन लीडर जीन का या लीडर सीक्वेंस का। जब हम लोग ट्रिप्टोफैन लीडर जीन के आरएनए की स्टडी करते हैं तो हमें उसमें चार रीजंस मिलते हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं
ट्रिप्टोफैन यल ट्रांसक्रिप्ट कंटेन फोर रीजन्स कॉल्ड रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री एंड रीजन फोर। अब यहां पर एक पॉइंट मैं दोबारा इसको बोलना चाहूंगा, क्लियर कर लीजिए। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है डीएनए, ये डीएनए है और डीएनए ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ लीडर जीन का। तो जैसे ही लीडर जीन ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहला पोर्शन है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इसी का होगा। तो जब हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करते हैं, लीडर जीन की आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करते हैं, तो इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में चार सीक्वेंसेस हैं, चार रीजन्स हैं, जिनको हम रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री और रीजन फोर कहते हैं। हम इस पोर्शन या इस आरएनए को चार रीजन्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये रीजन्स अल्टरनेटिवली कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जो रीजन वन है वो रीजन टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है, जो रीजन वन है वो रीजन टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है, आपको ध्यान रखना है, और जो रीजन टू है वो रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है, रीजन थ्री रीजन फोर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। इस वजह से यदि हम लोग इस रीजन को जो ट्रिप्टोफैन लीडर ट्रांसक्रिप्ट है यदि हम उसकी स्टडी करेंगे तो हमें चार रीजंस मिल रहे हैं। रीजन वन रीजन टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है, रीजन टू थ्री के साथ बना सकता है और थ्री फोर के साथ बना सकता है, ये अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री बन सकती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री ही डिसाइड करती है कि अटेन्यूएशन होगा या नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन ही डिसाइड करेगा कि अटेन्यूएशन होगा या नहीं होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, टू थ्री की होगी या थ्री और फोर की होगी, ये डिसीजन होगा कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन सेल में क्या है। योगेश, ठीक है माही, गुड इवनिंग महिमा, ठीक है। तो आप इन रीजंस को समझ पा रहे होंगे, सभी लोग इन रीजंस को समझ पा रहे होंगे। ट्रिप्टोफैन लीडर एमआर ने कंटेन फोर रीजंस, ठीक है, विच कैन बेस पेयर विद ईच अदर टू फॉर्म सेवरल अल्टरनेटिव हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर्स सच एज रीजन वन विथ रीजन टू, रीजन टू विथ रीजन थ्री, रीजन थ्री विथ रीजन फोर। तो ट्रिप्टोफैन यल जीन ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में और उसके आरएनए में चार रीजन्स होंगे जिनको वन टू थ्री और फोर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रीजन्स आपस में अल्टरनेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही डिटर्मिनेशन होगा, ये डिटरमाइन होगा कि एटेन्यूएशन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन यल जीन का रोल है एटेन्यूएशन में, लेकिन डीएनए के लेवल पर एटेन्यूएशन नहीं होता है, एटेन्यूएशन आरएनए के लेवल पर होगा, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है सौरभ, वर्षा, ठीक है रंजना, ठीक है, सभी लोग मुझे यस और नो में बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री में एटेन्यूएशन होगा और किस में एटेन्यूएशन नहीं होगा। आप मुझे जल्दी से बताएं एटेन्यूएशन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लायग्राम योगेश, श्रद्धा, चल। अब यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, यदि रीजन थ्री और फोर, रीजन थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो एटेन्यूएशन होगा, रीजन थ्री और फोर यदि कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो एटेन्यूएशन होगा, और यदि रीजन टू और थ्री कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो ये एंटी टर्मिनेटर स्ट्रक्चर बनेगा, ये एंटी टर्मिनेटर होगा। एंटी टर्मिनेटर को आप समझ पा रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा। यहां एक पॉइंट आप इजीली समझ लें, अटेन्यूएशन तभी होगा जब रीजन थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, रीजन थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो अटेन्यूएशन, और यदि रीजन थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते हैं, टू और थ्री बनाते हैं, तो कोई भी एटेन्यूएशन नहीं होगा, नो एटेन्यूएशन।
इसी कंडीशन को तो आपको स्टडी करना है कि रीजन टू और थ्री कब बनाएंगे और थ्री और फोर कब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन कॉम्प्लीमेंट्रीज को डिस्कस करते हैं। देखिए जरा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये रीजन वन है और ये रीजन फोर है। रीजन टू रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में है, रीजन टू रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री को एंटी टर्मिनेटर कहते हैं, एंटी टर्मिनेटर स्ट्रक्चर कहते हैं। एंटी टर्मिनेटर का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा और ओपेरॉन की सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में हो जाएगा। तो जब रीजन टू रीजन थ्री के साथ पेयरिंग करते हैं तो रीजन फोर रीजन थ्री के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब थ्री ने पेयरिंग कर ली टू के साथ तो रीजन फोर और वन फ्री है, ठीक है, और रीजन फोर रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता है। यदि रीजन फोर और थ्री की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनती है तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा, नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का और सभी स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में एंजाइम सिंथेसाइज होंगे और वो एंजाइम कोरिस्मेट को कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्टोफेन में। तो अभी आप ये सीख रहे हैं टू और थ्री के बीच में जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी तो एंटी टर्मिनेटर स्ट्रक्चर बनेगा, अगेंस्ट है ये टर्मिनेशन के, ठीक है। तो रीजन टू एंड थ्री पेयरिंग फॉर्म ए एंटी टर्मिनेटर दैट प्रिवेंट द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रीजन टू एंड रीजन थ्री पेयरिंग लीव्स रीजन वन एंड रीजन फोर अनपेयर्ड। इस कंडीशन में रीजन और वन और फोर अनपेयर्ड होंगे आपको। ठीक है, आयुसी नहीं, आयुसी मैंने अभी रेप्लिकेशन रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन अभी डिस्कस नहीं किया है, मैंने अभी डीएनए बायोलॉजी में डिस्कशन नहीं किया है। डीएनए बायोलॉजी डिस्कशन बाकी है, जैसे रेप्लिकेशन है, रिपेयर है, रिकॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी उनको डिस्कस करना बाकी है। तो वन और टू और थ्री की कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात रखता हूं रीजन थ्री और फोर की कॉम्प्लीमेंट्री की। देखिए, रीजन थ्री और फोर की कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर, मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन में, थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस कर देता हूं, कई सारे हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते भी हैं। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को बैक्टीरिया में डिस्कस करते हैं तो दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है रो डिपेंडेंट, ये प्रोटीन डिपेंडेंट है, रो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को डायरेक्ट करता है। दूसरा है रो इनडिपेंडेंट, यहां पर रो प्रोटीन का, ठीक है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऐसी कंडीशन में रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है उस प्रोसेस में हम देखते हैं एक हियर पिन लूप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग इंट्रिंसिक टर्मिनेटर कहते हैं, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर को हम लोग अटीन्यूएशन में अटीन्यूएटर कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं इसी पॉइंट को रख रहा हूं, जो रीजन थ्री और फोर की कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर है, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर है, जैसा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के समय में आपने स्टडी किया है। इसी इंट्रिंसिक टर्मिनेटर को हम लोग अटीन्यूएटर भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कराएगा, इसी को अटीन्यूएटर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अटीन्यूएटर स्ट्रक्चर। तो जब भी रीजन थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो हेयर पिन, एक स्टेबल हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हैं ये एक स्टेबल हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर है जो जस्ट उसी तरह का है जैसा हम लोग रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको इंट्रिंसिक टर्मिनेटर या अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के थ्री प्राइम एंड पर, इस स्ट्रक्चर के थ्री प्राइम एंड पर सेवरल यूरेसिल रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये यूरेसिल रेसिड्यूज
एसआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को डीएनए पर होल्ड नहीं कर पाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक टर्मिनेटर तभी बनेगा जब रीजन थ्री और फोर पेयरिंग करेंगे। आयुषी ने कहा है क्या उसे फ्री पढ़ाएंगे? अब आयुषी आगे देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैसे दिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ न्याय होगा। नेहा प्रजापति सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है नेहा, मैं रिपीट कर रहा हूं। रतन ने क्वेश्चन किया है कि सर एंटी टर्मिनेटर में भी हेयर पिन लूप बन रहा हो तो टर्मिनेशन क्यों नहीं होता है? ठीक है, टर्मिनेशन क्यों नहीं होता है, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। तो पहले आप ये जान लें कि रीजन थ्री और फोर जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो टर्मिनेटर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा आरएनए में, इसी को अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर कहते हैं। इस अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर के थ्री प्राइम एंड पर यूरेसिल रेसिड्यूज का एक स्ट्रेच होता है। मैं इस पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। रतन का क्वेश्चन ये है कि हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर तो और भी बनते हैं तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए कैपेबल क्यों नहीं है? तो रतन उसका आंसर ये है कि जो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर बनते हैं ये स्ट्रक्चर्स जीसी रिच होते हैं। इनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो ग्वानिन और साइटोसिन रेसिड्यूज के बीच में होती है। इस वजह से दे आर स्टेबल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। ये स्टेबल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है जिनको राइबोसोम के मूवमेंट के द्वारा फिजिकली ब्रेक नहीं किया जा सकता है। कोई बात नहीं आयुषी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि कई सारे बच्चे कोर्स खरीदते हैं और यदि मैंने उनको कोर्स बेच दिया है पर बाद में मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं कोशिश करता हूं तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री पढ़ा सकूं, लेकिन कुछ मजबूरियां मेरी भी हैं। ठीक है, नेहा ने कहा कि कल क्लास क्यों नहीं ले पाए थे तो नेहा कल हाई स्कूल का रिजल्ट आया हुआ था और मेरा भांजा एक हाई स्कूल में था तो वो आप सभी लोग जानते हैं वो पास हो गया, सभी पास हो गए तो भी पास हुआ था। तो उसने मुझे फोन किया तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था और मैं टाइम से लौट नहीं पाया, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो ठीक है चलिए, तो यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे और उम्मीद है रतन ने भी इस पॉइंट को समझ लिया होगा। ठीक है रतन, ये स्टेबल जीसी पेयरिंग है और जीसी पेयरिंग स्टेबल होने की वजह से जो राइबोसोम्स हैं वो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर पाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ या जब आप इसको समझ रहे हों तो मैं ले जाना चाहूंगा, जब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है, जब यूकैरियोट्स में एमआरएनए ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होता है 5' पर, तो आप सभी लोग जानते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनएज में ट्रांसलेशन इनिशिएशन के समय दो प्रोटीन, आप पूरा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स असेंबल होता है, दो प्रोटीन 4A एंड 4B, EIF4A, ये आरएनए हेलिकेज होता है, ये आरएनए हेलिकेज है जो हमारे एमआरएनए से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करता है। ठीक है, ये हमारे एमआरएनए, तो यूकैरियोट्स में यदि विद इन एमआरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन में प्रॉब्लम आती है। उसी तरीके से जब बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन, ठीक है सॉरी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की स्टडी करते हैं तो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर स्ट्रक्चर बनता है, ये टर्मिनेटर स्टेबल होता है और इसका जो स्टेबिलिटी है वो फिजिकली आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर लेता है जिसके रिजल्ट में टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं लड्डू और अब आप लोग इतना दूर हैं कहिए तो मैं इमेज कॉपी करके भेज देता हूं और आप तिवारी जी ने कहा है जलेबी खिलाएं
ठीक है तिवारी जी, ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई है, जरूर खिलाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, आप सभी लोगों को समय आने पर खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। और तो जो मैं बता रहा था आप लोग उसको समझ पा रहे हैं? ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? रविंद्र कौशिक, गुड इवनिंग रविंद्र, गुड इवनिंग। ठीक है उपासना, क्या आप सभी लोग रीजन 4 और रीजन 3 को समझ पा रहे हैं? रीजन 4 और रीजन 3 को समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक है, रीजन 3 एंड रीजन 4 पेयरिंग फॉर्म ए रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर, जिसे हम लोग अटेन्यूएटर भी कहते हैं, जिसे अटेन्यूएटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग अटेन्यूएटर कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अटेन्यूएटर इज ए जीसी रिच स्ट्रक्चर फॉलोड बाई सेवरल सिक्वेंशियल यूरेसिल रेसिड्यूज। ये एक जीसी रिच स्ट्रक्चर होता है जिसे सेवरल यूरेसिल रेसिड्यूज फॉलो करते हैं, प्रेजेंट होते हैं 3 प्राइम एंड पर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल रंजना, ठीक है वर्षा, ठीक है। ठीक है योगेश, धन्यवाद योगेश, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल और कुछ इस समय ज़्यादा ही मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि अभी ऑनलाइन आने का मुझे कुछ ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रेगुलर आऊँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ाऊँ। तो अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को खत्म करना है, इस टॉपिक को खत्म करना है, और ये तभी खत्म होगा जब आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तभी होगा जब आप लोग कोशिश करेंगे, तभी खत्म हो पाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, और लीडर रीजन के एमआरएनए में हम लोगों ने 4 सीक्वेंसेस को पढ़ लिया है, 4 रीजन्स को पढ़ लिया है, और वो कौन कौन सी अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे उन कॉम्प्लीमेंट्री को डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं 2 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले सभी लोग जल्दी से पढ़ लें, बाद में इसके बाद हम लोग लड्डू और जलेबी उनको डिस्कस कर लेंगे। सभी लोग ध्यान दें, हम लोग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं अटिन्यूएशन, प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं अटिन्यूएशन, और अटिन्यूएशन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया है लीडर जीन का। ठीक है, लीडर रीजन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो लीडर रीजन है इसका प्रॉपर रोल है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में। तो लीडर रीजन में 4 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और उन 4 सीक्वेंसेस में 2 अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, एक 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंड सेकेंड वन इज 3 एंड 4 कॉम्प्लीमेंट्री। 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी तो अटिन्यूएशन होगा, अटिन्यूएशन होगा, और यदि 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री बनती है तो अटिन्यूएशन नहीं होगा। अब यहां पर आपको समझना है, 4 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री तभी बनेगी जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई हो, जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होगा तो 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, और यदि ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन लो है, ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो है, ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफेन की सिंथेसिस जरूरी है, ट्रिप्टोफेन को सिंथेसाइज होना जरूरी है, और सिंथेसिस के लिए एंजाइम चाहिए, इस कारण से ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। तो आप ये समझ लें, एक पॉइंट और क्लियर कर लें, 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री और 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ चुके हैं, 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री जब भी होगी अटेन्यूएशन होगा, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मली तभी होगी, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री संभव हो पाएगी जब ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन सेल में हाई हो।
और टू और थ्री कॉम्प्लीमेंट्री तब बनती है जब ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन लो होता है। तो जब ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन लो होगा तो रीजन थ्री रीजन टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, और इस तरह से रीजन फोर फ्री रह जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री थ्री के साथ नहीं कर पाएगा। आप इस पॉइंट को यहां तक सभी लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अटेन्यूएशन कैसे होता है, सेल के लेवल पर अटेन्यूएशन का मैकेनिज्म क्या है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को रीजन वन पर लेके आते हैं। देखिए जो लीडर सीक्वेंस है, लीडर सीक्वेंस की जो ट्रांसक्रिप्ट है उस ट्रांसक्रिप्ट के 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है रीजन वन, और इस रीजन वन में एक स्मॉल ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है। जब हम लोग रीजन वन की स्टडी करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग लीडर सीक्वेंस के लीडर जीन के रीजन वन की स्टडी करते हैं तो इस रीजन में एक स्मॉल ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है, AUG और टर्मिनेशन कोडॉन UAA, एक स्मॉल ओपन रीडिंग फ्रेम है, अर्थात प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए एक रीजन है, ये ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है। और इस ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसलेशन ही डिटरमाइन करता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो अभी तक हम लोगों ने रीजंस को पढ़ा, कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी और कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से टर्मिनेशन होगा। अब हम लोग रीजन वन पर फोकस करने चल रहे हैं, क्योंकि अटेन्यूएशन की प्रोसेस टाइटली कपल्ड होती है ट्रांसलेशन के साथ, और ट्रांसलेशन का मतलब है mRNA के साथ राइबोसोम बाइंड है। तो राइबोसोम कहाँ बाइंड करेगा और कैसे डिसीजन होगा कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। तो आप ध्यान दें, ट्रांसलेशन के रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करने चल रहे हैं। जो लीडर जीन है उसके रीजन वन पर या रीजन वन में एक स्मॉल ओपन रीडिंग फ्रेम है। अब बहुत सारे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये भी जरूरी है कि ओपन रीडिंग फ्रेम किसे कहते हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम किसी mRNA का वो रीजन है जो एक इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होकर के टर्मिनेशन कोडॉन पर एंड होता है। तो ये इनिशिएशन कोडॉन है AUG और ये टर्मिनेशन कोडॉन है UAA। इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग नाम देते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। इनिशिएशन कोडॉन से टर्मिनेशन कोडॉन के बीच में कई सारे कोडॉन्स होंगे, ठीक है, उन पूरे रीजन को ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। तो रीजन वन में ओपन रीडिंग फ्रेम है और इस ओपन रीडिंग फ्रेम में 14 कोडॉन्स होते हैं। कितने कोडॉन्स होंगे? 14 कोडॉन्स। देखिए जो जरा रीजन वन को आप सभी लोग समझे, इसको मैंने रीजन वन को इस तरह से बना दिया है। जो रीजन वन है आप उसे समझिए, रीजन वन का ये इनिशिएशन कोडॉन है ओपन रीडिंग फ्रेम का, और ये UGA टर्मिनेशन कोडॉन है, UGA टर्मिनेशन कोडॉन है, और इसमें रीजन जो कोडॉन है टोटल कोडॉन्स जब हम स्टडी करते हैं इस ओपन रीडिंग फ्रेम में, आपको ध्यान रखना है, इस ओपन रीडिंग फ्रेम में जब हम टोटल कोडॉन्स की बात करते हैं तो ये 14 कोडॉन्स हैं। आपको ध्यान रखना है रीजन वन में जो ओपन रीडिंग फ्रेम है उसमें कितने कोडॉन्स हैं? 14 कोडॉन्स हैं। इसका मतलब ये 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड कोड करता है। लॉन्ग पेप्टाइड, तो रीजन वन के ओपन रीडिंग फ्रेम से एक 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड कोड होती है। इसी ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडॉन नंबर 10th और 11th पर, 10 और 11 पोजीशन पर, 10वें और 11वें पोजीशन पर जो कोडॉन है वो कोडॉन UGG है, वो कोडॉन UGG है जो ट्रिप्टोफेन को कोड करते हैं, ट्रिप्टोफेन को कोड करते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो रीजन वन में एक स्मॉल ओपन रीडिंग फ्रेम है 14 कोडॉन्स का, और इस ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडॉन नंबर 10th और 11th ट्रिप्टोफेन के कोडॉन है, UGG कोडॉन है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी ओपन रीडिंग फ्रेम के जस्ट अपस्ट्रीम ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होती हैं उन्हें हम लोग साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं।
साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, अर्थात यही वो रीजन है, यही वो साइट है जहां पर राइबोसोम आकर के बाइंड करेंगे और इस इनिशिएशन कोडॉन से ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार बताइए कि आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। सभी लोग मुझे जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक आप सभी लोग समझ रहे हैं? हाँ रविंद्र, लगभग डेली क्लास होती है। ठीक है, उपासना, रविंद्र, वर्षा, श्रद्धा, अंजलि, ठीक है ठीक है, योगेश, प्रज्ञा, रतन, सौरभ, अरुण, ठीक, आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ चुके हैं। अब आप यहां पर ध्यान देंगे और मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग इसी एमआरएनए पर ध्यान दें। ये रीजन वन का एमआरएनए है, ये इसका 5 प्राइम है और इधर ये 3 प्राइम होगा। ठीक है, जैसे इसका 5 प्राइम अपीयर होगा, राइबोसोम आकर के राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर बाइंड करेंगे और इस ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस ओपन रीडिंग फ्रेम में प्रेजेंट ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि सेल में ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का कंसंट्रेशन कम होगा, ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का कंसंट्रेशन कम होगा, लो कंसंट्रेशन में होगा, तो राइबोसोम इस साइट पर आकर के, इस कोडॉन पर आकर के राइबोसोम का जो ट्रांसलेशन रेट है वो रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि जब सेल में ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का कंसंट्रेशन कम है, बहुत कम है, ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का इस इनिशिएशन कोड इस सॉरी इस यूजीजी कोडॉन पर आने में समय लगेगा। आप समझिए कि जो हमारे इलोंगेशन फैक्टर होगा बैक्टीरिया में EFTU, वो सर्च करेगा ट्रिप्टोफैन टीआरएनए को, पूरे उस जो हमारा क्राउड है, साइटोप्लाज्मिक क्राउड है, उसमें से जब ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उसे सर्च किया जाएगा कि कोई मिल जाए और फिर उसको यहां पर लाया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, तब तक राइबोसोम का मूवमेंट रुक चुका होगा। यदि ट्रिप्टोफैन टीआरएनए मिल गया तो दूसरा कोडॉन भी ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का है, जब कंसंट्रेशन कम है तो राइबोसोम यहां पर भी थोड़ा इंतजार करेगा कि कोई ढूंढ के ट्रिप्टोफैन टीआरएनए आ जाए, और इस तरीके से जो राइबोसोम की ट्रांसलेशन रेट है वो बहुत रिड्यूस कर जाएगी इन दो कोडॉन्स पर, यदि ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन कम है। ऐसी कंडीशन में रीजन टू और थ्री जो आगे ट्रांसक्राइब हो रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, लेकिन जरा ध्यान दें, ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई होगा तो इन दो कोडॉन्स को ट्रांसलेट करने में राइबोसोम को समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होंगे ट्रिप्टोफैन टीआरएनए और राइबोसोम इजीली ट्रांसलेट करते हुए टर्मिनेशन साइट के आगे तक आ जाएगा। ठीक है हिमांशु, नमस्ते। नमस्ते हिमांशु। जो योगेश से उन्होंने क्वेश्चन किया है, ट्रिप्टोफेन कोडॉन 11 और 10 और 11 होते हैं या 10 और 12 होते हैं, तो योगेश ये 10th और 11th पोजीशन होती है, 11 और 12 पोजीशन होती है, सॉरी 10 और 11 पोजीशन होती है, आपको ध्यान रखना है 10 और 11। शायद आप इसको समझ पा रहे हैं, 10th और 11th पोजीशन पर ट्रिप्टोफैन कोडॉन होते हैं। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो इसको रीजन वन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक आप सभी लोग समझ चुके हैं और आगे अब मैं कंडीशंस आपके साथ रखने वाला हूं और डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे अल्टरनेटिवली टू और थ्री कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी और या फिर थ्री और फोर कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, और वो कॉम्प्लीमेंट्री डिसाइड करेगी अटेन्यूएशन होगा या नहीं होगा। तो यहां तक आप सभी लोगों ने
ट्रिप्टोफैन जो लीडर जीन है, लीडर रीजन है, उसके कितने सेगमेंट हैं, कितने रीजन्स हैं, ठीक है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एटेन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रीजन वन में ओपन रीडिंग फ्रेम कितने कोडॉन्स का है, कितने अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है आपको ध्यान रखना है, क्या ट्रिप्टोफेन जब अटेन्यूएशन प्रोसेस पढ़ते हैं तो रीजन वन से कोड होने वाली, जो रीजन वन से कोड होने वाली 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये पेप्टाइड बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल है और इजिली डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे ये सिंथेसाइज होती है ये सेल में डाइजेस्ट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है ये डाइजेस्ट हो जाती है, इसी वजह से इसका आइसोलेशन नहीं हो पाता है, इसका आइसोलेशन नहीं हो पाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अटेन्यूएशन के अलावा इसका कोई दूसरा नोन फंक्शन नहीं है। ये पॉलीपेप्टाइड, ये सॉरी, ये जो पेप्टाइड है 14 अमाइनो एसिड की, ठीक है, इसका कोई नोन फंक्शन नहीं है, ये सिंथेसिस केवल और केवल अटेन्यूएशन के लिए है, ठीक है, अटेन्यूएशन प्रोसेस के लिए ये पेप्टाइड सिंथेसाइज होती है। पेप्टाइड जब सिंथेसाइज हो जाती है, 14 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड जब बन जाएगी, तो ये पेप्टाइड बनने के बाद बैक्टीरियल सेल में डिग्रेड कर दी जाती है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। आप ही मत सोचिएगा कि ये पेप्टाइड कहीं ग्लाइकोलिसिस या बीटा ऑक्सीडेशन या किसी बायोसिंथेटिक रिएक्शन में जाकर के कोई कैटालिटिक फंक्शन या कैटालिटिक रोल प्ले करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रविंद्र कौशिक क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं कि मीनिंग क्या है अटेन्यूएशन की, तो रविंद्र आप इसको जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आप अटेन्यूएशन को पढ़ने के लिए आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, मैंने शुरू में क्वेश्चन की शुरुआत ही यहीं से की थी कि अटेन्यूएशन कहते किसे हैं, वहां पर मैंने इसे समझाया हुआ था। रतन का कहना है कि कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा, ओनली रिड्यूस होगा, तो रतन इन सारी चीजों पर मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन कंप्लीटली बंद नहीं होता है, उसे हम लोग बेसल लेवल कहते हैं, तो थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं, प्लास्टिसिटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं और ऐसा मानता हूं कि आप लोग इसे समझ चुके हैं, ये अंडरस्टूड है, लेकिन जब भी हम लोग किसी ऑपेरॉन को पढ़ते हैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसे टर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और कंडीशन आपके साथ रख रहा हूं, कंडीशन रखता हूं आप समझिएगा, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन में रख रहा हूं, वेन ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन इज लो, ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन इज लो। अब चलिए सारे स्ट्रक्चरल पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अटेन्यूएशन प्रोसेस को, पहली कंडीशन में आपके सामने रखता हूं, जब ट्रिप्टोफेन का कंसंट्रेशन लो होगा, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन यदि कम होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफेन टीआरएनए का कंसंट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि जब ट्रिप्टोफेन नहीं है तो ट्रिप्टोफेन टीआरएनए से ट्रिप्टोफेन की बाइंडिंग नहीं होगी और इसका कंसंट्रेशन भी कम होगा। जो टीआरएनए पर मैं सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं ट्रिप्टोफेन, इसका मतलब ये होता है कि ये टीआरएनए ट्रिप्टोफेन का है, तो जरा ध्यान देंगे सभी लोग, यदि ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो है, ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो है, ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफेन टीआरएनए की कंसंट्रेशन भी लो होगी, और यदि ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो है तो ट्रिप्टोफेन बायोसिंथेसिस की जरूरत है, क्योंकि ये एक एनाबोलिक पाथवे है और ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी, सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, कुछ मैं कंडीशंस आपको रिलेट कर रहा हूं, यदि सिंथेसिस रिक्वायर्ड है ऐसी कंडीशन में
ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो ओपेरॉन है जीन्स आर ट्रांसक्राइब, ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन जीन्स की, ठीक है, ओपेरॉन जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे। यदि जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर हम लोग यहां पर क्लियरली कह सकते हैं अटेन्यूएशन नहीं होगा, कोई भी अटेन्यूएशन नहीं होगा। इस केस को सबसे पहले समझ लें और अटेन्यूएशन क्यों नहीं होगा उसको आगे हम लोग समझेंगे। तो यदि ट्रिप्टोफेन का कंसंट्रेशन लो है सेल में, ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफेन टीआरएनए कंसंट्रेशन भी लो होगा, और यदि ट्रिप्टोफेन लो है तो ट्रिप्टोफेन की रिक्वायरमेंट है तो सेल उसे सिंथेसाइज करेगी, तो सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है। यदि सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है तो एंजाइम चाहिए, और एंजाइम किससे कोड होंगे, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन से। तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा, होता रहेगा, और ऐसी कंडीशन में अटेन्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब जरा ध्यान दें कि ऐसी कंडीशन में यदि अटेन्यूएशन नहीं होगा, अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, यदि अटेन्यूएशन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री बन रही होगी रीजन टू और रीजन थ्री के बीच में, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी। यदि अटेन्यूएशन नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री नो डाउट आप समझ सकते हैं रीजन टू और थ्री के बीच में होगी, और यदि अटेन्यूएशन होता तो रीजन थ्री और फोर के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होती। तो क्या ऐसा हुआ, अब ये क्वेश्चन उठ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि रीजन फोर रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाया, और ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाया। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सॉरी, यदि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाया तो ऐसा क्या हुआ है कि रीजन थ्री रीजन टू के साथ पेयरिंग में आ गए, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको इजिली समझ जाएंगे, इजिली समझ जाएंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं यहां पर मार्क करता हूं इस पॉइंट पर, ये जो पोर्शन है वो ट्रिप्टोफेन टीआरपी एल का है, ट्रिप्टोफेन लीडर जीन का है। ठीक है, ये 162 बेस पेयर लॉन्ग रीजन है, 162 बेस पेयर लॉन्ग रीजन है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हुई ट्रिप्टोफेन एल जीन का, सबसे पहले जो अपीयर हुआ वो 5 प्राइम एंड अपीयर हुआ, सबसे पहले जो अपियरेंस हुआ वो 5 प्राइम एंड का हुआ, आपको ध्यान रखना है। 5 प्राइम एंड अपीयर होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड अपीयर हुआ। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रिप्टोफेन एल जीन का शुरू हुआ, सबसे पहले 5 प्राइम अपीयर हुआ, और 5 प्राइम अपीयर होने के साथ ही राइबोसोम्स आकर के असेंबल हो गया रीजन वन के इनिशिएशन कोडॉन पर। राइबोसोम आकर के असेंबल हो गया रीजन वन, आप समझ रहे हैं, उसके इनिशिएशन कोडॉन पर, और ट्रांसलेशन की शुरुआत कर। लेकिन जब ये ट्रांसलेशन कोडॉन नंबर 10th और कोडॉन नंबर 11th पर पहुंचेगा, ये राइबोसोम कोडॉन नंबर 10 और 11th पर पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचने के बाद इन राइबोसोम्स का मूवमेंट रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन लो है, ऐसी कंडीशन में कोडॉन नंबर 10th और 11th को ट्रांसलेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफेन टीआरएनए है नहीं, और उन ट्रिप्टोफेन टीआरएनए को साइटोप्लाज्म से सर्च करके इन कोडॉन पर लाने में समय लगने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन बंद नहीं करेगा। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हुई, एमआरएनए का 5 प्राइम एंड अपीयर हुआ, राइबोसोम आकर के बाइंड हो गए 5 प्राइम एंड पर,
और ओपन रीडिंग फ्रेम की ट्रांसलेशन की शुरुआत कर दें। तो एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पर, और दूसरी तरफ उसी एमआरएनए का ट्रांसलेशन चल रहा है 5 प्राइम एंड की तरफ। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है, हम लोग कंडीशन पहले रख चुके हैं, इसी ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडॉन नंबर 10th और 11th ट्रिप्टोफैन के हैं, और जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो होगा तो राइबोसोम इस कोडॉन पर आकर के पॉज कर जाएगा, इसका मूवमेंट रुक जाएगा और इंतजार किया जाएगा कि ट्रिप्टोफैन टीआरएनए को सर्च करके लाया जाए जिससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ सके। सेम मूवमेंट पर आप ध्यान देंगे, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को बंद नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ट्रांसलेशन ब्लॉक हो रहा है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक नहीं करती, और ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगी। इस कंटिन्यूएशन के साथ रीजन टू ट्रांसक्राइब होगा क्योंकि रीजन वन पर प्रेजेंट है राइबोसोम, रीजन वन पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इस वजह से रीजन वन फ्री नहीं है टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, रीजन वन पर राइबोसोम है, राइबोसोम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, रीजन वन को इसने मास कर लिया है, और ऐसी कंडीशन में रीजन वन फ्री नहीं है रीजन टू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज आगे कंटिन्यू करेगा ट्रांसक्रिप्शन और उसी के साथ रीजन थ्री अपियर हो जाएगा, लेकिन अभी रीजन फोर अपियर नहीं हुआ है, तो रीजन टू और रीजन थ्री आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेंगे। तो जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो होता है ऐसी कंडीशन में राइबोसोम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं रीजन वन को समय के साथ, उनको ट्रांसलेट करने में समय लगेगा क्योंकि ट्रिप्टोफैन टीआरएनए को सर्च करके लाने में समय लगने वाला है। तो राइबोसोम पॉज कर गया है रीजन वन पर, लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू है और उसने रीजन टू और थ्री को ट्रांसक्राइब कर लिया है, और ऐसी कंडीशन में रीजन टू और थ्री कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, और यदि इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बना ली तो ये एंटी टर्मिनेटर स्ट्रक्चर होगा और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा, और आप जानते हैं कंडीशन के आधार पर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो है। शायद आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, शायद आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को यहां तक समझ गए होंगे, आप सभी लोग यहां तक समझ रहे होंगे, मुझे यस और नो में बताएं क्या आप सभी लोग यहां तक समझ गए हैं। जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं, ऋतिकेश, अंजलि, रतन, योगेश, ठीक है, आयुषी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई लो कंसंट्रेशन की, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब कंसंट्रेशन हाई होगा। अब सभी लोग ध्यान देंगे, जब ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन हाई होगा, ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई है तो फिर ऐसी कंडीशन में सेल को ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिलेशन को स्टेब्लिश कर रहा हूं, यदि ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होगा, ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन हाई है तो ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई होगा, ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन भी हाई होगा, आप ध्यान दीजिएगा, और यदि ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन हाई है तो ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड।
आप ध्यान दीजिएगा, यदि ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सिंथेसिस की जरूरत नहीं होगी, सिंथेसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। यदि ये जीन्स ट्रांसक्राइब्ड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? यदि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस होगी अटिन्यूएशन। जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या करना होगा? अटिन्यूएशन। तो आप इस रिलेशन को सभी लोग समझिए कि जो रिलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। और यदि अटिन्यूएशन हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी रीजन 3 और 4 के साथ। जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो रीजन 3 और 4 के साथ होगी। और यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि रीजन 3 और 4 के बीच में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं इस पॉइंट को फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होता है तो ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन भी हाई होगा। इसका मतलब है जो चार्ज्ड ट्रिप्टोफैन टीआरएनए है वो भी ज्यादा होंगे। और यदि ट्रिप्टोफैन हाई है तो बहुत जरूरत नहीं, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोकना होगा, अर्थात अटिन्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। और यदि अटिन्यूएशन की रिक्वायरमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी रीजन 3 और 4 के साथ, रीजन 3 और 4 के साथ। अब आप सभी लोग इसी कंडीशन को यहां पर अप्लाई करें। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत यहां से होती है। मान लेते हैं ये +1 रीजन है और ये ट्रिप्टोफेन यल लीडर रीजन है, ट्रिप्टोफेन लीडर रीजन है। ठीक है साधना, ठीक है। हाँ, डीएवी से, डीएवी के स्टूडेंट का भरोसा हम पर ज्यादा रहा है और ये सही है कि डीएवी से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। ठीक है साधना, डीएवी जरूर आएंगे, डीएवी कॉलेज जरूर आएंगे, किसी दिन जरूर आएंगे। ठीक है, देखिए, एज ए टीचर मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि वो मुझसे कुछ सीख के जाएं और जिस एग्जाम के लिए वो मेरे पास पढ़ने आए हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएं, वो फाइनली एग्जाम को क्रैक करें और सेलेक्ट हों। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, और उसमें से स्टूडेंट भी काफी मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि स्टूडेंट को अपने टीचर पर भरोसा होना चाहिए। तो इस डीएवी के स्टूडेंट ने बहुत भरोसा मुझ पर किया है और उसका कुछ ऐसा रिजल्ट है, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है कि सब सेलेक्ट भी हुए। ठीक है, बायोटेक्निक, बहुत बढ़िया। मैं यदि समझा रहा हूं तो मैं 50% अपना काम कर रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग बेहतर समझ भी रहे हैं। ठीक है, हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र से। तो योगेश जी, आपका स्वागत है। और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी बहुत पास में हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग काफी अच्छा समझ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद डिस्कशन कर लिया जाएगा। अंजलि का कहना है सर एक ब्रांच हमारे इलाहाबाद में ओपन करवा दीजिए। अंजलि, ब्रांच ओपन करना आसान है लेकिन मेरे पास अभी फैकल्टी जो हैं वो भी उनके भी बहुत सारे काम हैं। और ठीक है, बहुत नहीं, बच्चे तो काफी अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं,
काफी अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो कभी कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर किसी और दिन इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, आयुषी का कहना है कि सर कुरुक्षेत्र परशुराम बन के जाएंगे। आयुषी आज का ऐसा समय नहीं है, आप मेरी हंसी और उड़वाओगी जब मैं वहां परशुराम बन के जाऊंगा, तो आजकल मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से जाना मेरे लिए उचित होगा। ठीक है, चलिए अब सभी लोग ध्यान दें, यहां पर जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होगा ऐसी कंडीशन में अटेन्यूएशन होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को टर्मिनेट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए रीजन 3 और 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बनना जरूरी है, और द रीजन 3 और 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बनना जरूरी है तो नो डाउट आप ये समझ लीजिए रीजन 2 को रीजन 3 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने से रोकना होगा। मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल रहा हूं, और यदि आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अटेन्यूएशन की प्रोसेस को समझ गए हैं। यदि अटेन्यूएशन जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होता है तो अटेन्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, अटेन्यूएशन की रिक्वायरमेंट का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा, और ऐसा करने के लिए रीजन 3 और 4 की कॉम्प्लीमेंट्री बनना जरूरी है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री को बनने के लिए रीजन 2 को मास्क करना जरूरी है, रीजन 2 को रोकना जरूरी है कि वो रीजन 3 से कॉम्प्लीमेंट्री ना बनाए, क्योंकि रीजन 2 ने रीजन 3 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया तो रीजन 4 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा। तो जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई होता है तो रीजन 2 को ही मास्क करना है, ठीक है, और उस रीजन 2 को कैसे मास्क किया गया उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ठीक है वेद, इमेज ब्लर हो गई है, चलिए अभी ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि रीजन 2 को मास्क करना जरूरी है, और जैसे रीजन 2 मास्क होगा रीजन 3 फ्री होगा रीजन 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, रीजन 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रीजन 3 फ्री होगा। देखिए क्या होता है, आप कंडीशंस को समझिए, ये आप समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हुई, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी रीजन 1 पर राइबोसोम बाइंड होगा, रीजन 1 पर राइबोसोम बाइंडिंग होगी और राइबोसोम ट्रांसलेशन करते हुए आगे बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा रीजन 1 पर राइबोसोम ट्रांसलेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है, और राइबोसोम पहुंचेगा कोडॉन नंबर 10 और कोडॉन नंबर 11 पर, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हुई और लीडर जीन का 5 प्राइम एंड अपीयर हुआ, अर्थात रीजन 1 अपीयर हुआ, राइबोसोम बाइंड हुए, ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो गया। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के साथ राइबोसोम ट्रांसलेट कर रहे हैं रीजन 1 को, और आरएनए पॉलीमरेज लीडर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, लीडर जीन का ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है डीएनए पर और राइबोसोम एमआरएनए का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो रीजन 1 का ट्रांसलेशन करते हुए राइबोसोम आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचेंगे कोडॉन 10 और 11 पोजीशन पर, क्योंकि ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई है, ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का कंसंट्रेशन सेल में हाई है, ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफैन के कोडॉन्स को ट्रांसलेट करना राइबोसोम के लिए बहुत इजी होगा और ये टाइम टेकिंग नहीं होगा, अर्थात क्विकली राइबोसोम रीजन 1 को ट्रांसलेट कर लेंगे और ट्रांसलेशन के साथ ही वो पहुंच जाएंगे रीजन 2 पर, अर्थात रीजन 2 को मास्क कर लेंगे। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल राइबोसोम की पोजीशन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ये है रीजन 2। जब ट्रिप्टोफैन
ट्रिप्टोफैन टीआरएनए का कंसंट्रेशन हाई होता है, ऐसे कंडीशन में राइबोसोम रीजन वन के ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और वो बहुत तेजी से रीजन वन को ट्रांसलेट करके आगे बढ़ते हैं और पहुंच जा और कवर कर लेते हैं रीजन टू को। रीजन ये है कि जब रीजन वन को ट्रांसलेट करते हुए ये टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंचेंगे तब तक ये राइबोसोम रीजन टू को भी कवर कर चुका होगा और ट्रांसलेशन टर्मिनेशन शुरू होगा। लेकिन जब तक ट्रांसलेशन टर्मिनेशन हो पाएगा, ठीक है, उसके साथ ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रीजन थ्री और रीजन फोर को ट्रांसक्राइब कर चुका होगा और जैसे ही ये ट्रांसक्राइब कर चुका होगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा अटेन्यूएटर, क्योंकि रीजन टू पर राइबोसोम है, रीजन थ्री और फोर फ्री है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा बोलना चाहूंगा आप सभी लोग समझ लें कि जब ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई होता है ऐसी कंडीशन में राइबोसोम रीजन वन पर पॉज नहीं होते हैं बल्कि वो इजिली कोडॉन नंबर 10th और कोडॉन नंबर 11th को ट्रांसलेट कर लेते हैं क्योंकि ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई है और ट्रांसलेट करके आगे बढ़ते हैं और जब तक ये ट्रांसलेशन कंप्लीट करते हैं तब तक रीजन टू ट्रांसक्राइब हो चुका होता है और रीजन थ्री का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है। लेकिन राइबोसोम ट्रांसलेशन करते हुए टर्मिनेशन कोडॉन के जब पास पहुंचते हैं तो वो लगभग रीजन टू को भी मास्क कर चुके होते हैं, रीजन टू को भी कवर कर लिया है उन्होंने। अब रीजन टू फ्री नहीं है रीजन थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन रीजन थ्री फ्री है, उसी के साथ रीजन फोर ट्रांसक्राइब होगा और जब रीजन थ्री और फोर फ्री होंगे तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे और अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन पॉज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो राइबोसोम की लोकेशन डिसाइड कर देता है एमआरएनए पर कि अटेन्यूएशन होगा या नहीं होगा। तो जब ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन लो होता है, जो पहला केस हम लोगों ने पढ़ा, तो राइबोसोम रीजन वन पर ही पॉज कर जाते हैं और जब ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन हाई होता है तो वो रीजन वन से आगे बढ़ जाते हैं और रीजन टू को कवर कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में रीजन थ्री और फोर ही फ्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन के लिए और इस कॉम्प्लीमेंट्री से अटेन्यूएटर बनेगा जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कॉज करेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे होता है। ये अटेन्यूएशन की प्रोसेस थी, काफी इंपॉर्टेंट है अटेन्यूएशन और ये डिपेंड करता है ट्रिप्टोफैन टीआरएनए कंसंट्रेशन पर। ठीक है वेद, ठीक है वर्षा, ऋतिकेश, ठीक है आयुषी, अंजलि, ठीक है आयुषी धन्यवाद। कल की क्लास में मैं आप लोगों को अरेबिनोज़ोपेरोन के बारे में बताऊंगा। कल हम लोग अरेबिनोज़ोपेरोन को डिस्कस करेंगे, अरेबिनोज़ क्या है और इसका ओपेरोन क्या है, अरेबिनोज़ोपेरोन के जीन्स के प्रोडक्ट का रोल क्या है, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोगों को ठीक है, रोहित मिश्रा, ठीक है वेद प्रकाश, योगेश, महिमा, ठीक सभी लोगों को साधना, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अरेबिनोज़ोपेरोन।